भोपाल में नशे के खिलाफ पुलिस बड़ा अभियान चलाएगी। कल से स्कूल और कॉलेज के बाहर कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी क्षेत्रों के एसडीएम और थाना प्रभारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। बढ़ती ही सिगरेट की लत को लेकर प्रशासन सख्त है। कलेक्टर के मुताबिक 15 से 25 साल तक के बच्चों में ई सिगरेट की लत बढ़ी है। अब स्कूल से 300 मीटर के दायरे में गुमटियां नहीं रहेंगी, जिसे लेकर सख्ती बरती जाएगी। हमारे साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों पर निशाना रहेगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है कितने बच्चे हैं, कैसे स्कूल है, कैसे चिन्हित किया जाएगा और कितने इस लेवल पर कार्रवाई की जाएगी? हम जानते हैं कि प्रत्येक साल देश में 13 से 14 लाख लोग सिर्फ तंबाकू के कारण, तंबाकू के सेवन से अपनी जान को गंवा देते हैं। और ये खतरनाक ज्यादा इसलिए है कि कुछ हद तक इसकी सामाजिक स्वीकार्यता है, कई विज्ञापन के कारण या कई कारणों से, खासतौर पर इसकी स्वीकार्यता को देखते हुए इसकी बैठ ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा घातक हो गया है। और इससे भी बड़ी खतरनाक बात यह है कि इसके जो प्रभावित वर्ग है वो 15 से 25 वर्ष के हमारे युवा और किशोर हैं, जो कि सबसे संवेदनशील है और माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर युवा इस उम्र में है तो हमारे देश में है। इसलिए इसके प्रति जागरूकता पैदा करना जरूरी है। ई सिगरेट को लेकर के जागरूकता पैदा करना, ई सिगरेट के बारे में माना जाता है कि उतना घातक नहीं है, लेकिन ये सामान्य सिगरेट से 6 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए इसके प्रति भी हमारे युवा जागरूक रहें, इसको ध्यान में रखते हुए और विभिन्न तरीके के अन्य नशों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें सभी थाना प्रभारियों को यहां बुलाया गया था कि वो इसकी जिम्मेदारी को समझें और इस अभियान को, इस लड़ाई को और ज्यादा तेज करें। से एक अभियान चलाया जाएगा, किन जगहों को चिन्हित किया गया है, किन पे कार्रवाई की जाएगी? इसमें 2 जगहों पे फोकस होगा, खासतौर पे स्कूल कॉलेज के आसपास जो सिगरेट और इससे जुड़े तंबाकू उत्पादों का प्रतिबंधित है, 300 मीटर के आसपास नहीं बेच सकते, उसको एक अभियान के रूप में चलाया जाएगा। जो भी शैक्षिक संस्थानों के आसपास इस तरह के उत्पाद बिक रहे होंगे उनके खिलाफ पुलिस अभियान चलाएगी और इसके साथ साथ ई सिगरेट के खिलाफ खासतौर पर अभियान और हुक्का बार के खिलाफ भी एक बड़ा सजग अभियान रहेगा। पूरे थाने स्तर पर कल देखने को मिलेगा? सबसे पहले थानों को हम लोगों ने तंबाकू से मुक्त घोषित किया। 31 मई को हम लोगों ने शपथ लिया कि किसी भी थाने में किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद का सेवन प्रतिबंधित होगा और इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ साथ सभी थाना क्षेत्रों को भी निर्देशित किया गया है कि जो अभियान है, इस लड़ाई है, इस लड़ाई को तेज करें। हमारे साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा और हर थाना प्रभारी को हर लेवल पर निर्देश दे दिए गए हैं और उसके बाद नजर बनाने के बाद यह बड़ी कार्रवाई कल देखने को राजधानी भोपाल में मिलेगी। बंसल न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट डिंपल के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। और वक्त